स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। खबर मधेपुरा से है, जहां मधेपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ तीन कांडों का उद्भेदन कर कांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है। इस बाबत आज मधेपुरा पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने अपने वेश में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बीते दिनों शंकरपुर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि कुमारखंड थाना अंतर्गत बैंक लूट से संबंधित एवं पेट्रोल पंप लूट के दौरान पंप कर्मी को गोली मार देने के मामले में शामिल शहीद आर्म्स एक्ट में वांछित अपराधी सुमित कुमार उर्फ अमित कुमार, रविकांत कुमार उर्फ राजा अपने दोस्तों के साथ बगबियानी चौक पर घूम रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु शंकरपुर थाना अध्यक्ष राजकिशोर मंडल दल बल के साथ जैसे ही बगबियानी चौक पर पहुंचे तो पुलिस बल को देखते ही उक्त दोनों अपराधी भागने लगे, जिन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताए गए जगह से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। गिरफ्तार अपराधियों ने घटना में शामिल अपने अन्य साथियों के नामों का खुलासा करते हुए दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अन्य अपराधी गौतम कुमार और रणधीर कुमार को लूटे गए कुल रुपयों में से 76,070 रुपए एवं इन चारों के पास से एक देसी कट्टा एवं एक कारतूस बरामद किया है। कुछ दिनों पहले एक बैंक लूट की घटना हुई थी कुमारखंड थाना में, उसका पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। इसमें चार अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने कुल 6,00,000 की रकम वहां पे लूटी थी, जिसमें से 76,000 रुपए की रकम पुलिस ने बरामद कर ली है इन अपराधियों के पास से। घटना में जो एक कट्टा इन्होंने इस्तेमाल किया था वो भी बरामद कर लिया गया है, एक कारतूस बरामद किया गया है। इसके अलावा इसमें से जो रणधीर कुमार एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, ये इस बैंक में 2013 से प्राइवेट प्यून के तौर पे काम कर रहा था। यही व्यक्ति लाइनर के रूप में अनुसंधान में पाया गया है। इसी ने इसके गांव के ही बाकी के अपराधी हैं, इसी ने लाइनिंग दी थी कि यहाँ पे कैश है, और पूरी घटना की षड्यंत्र रचने में और इसको एक्सिक्यूट कराने में रणधीर कुमार का मेन रोल था। इस प्रकार से इसमें कुल 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है और लूटा हुआ पैसा बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि उसी दिन एक बेलारी ओपी अंतर्गत एक पेट्रोल पंप में भी लूट की घटना हुई थी। पूछताछ में इसी गैंग ने उस घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, तो इस प्रकार से वो वाला जो केस था पेट्रोल पंप का, वो भी हम लोग का इसमें डिटेक्ट हो गया। उसमें के लूट में जो लूटी गई रकम थी बरामद हुई थी, उसमें इन्होंने कोशिश की थी लेकिन ये लोग लूट नहीं पाए थे, लेकिन इन्होंने गोली फायर की थी, तो उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है। आर्म्स वगैरह भी रिकवर हुआ? जी हाँ, इसमें एक कट्टा भी रिकवर हुआ है। तो इन अपराधियों पे एक शंकरपुर में एक आर्म्स एक्ट किया गया है, इसके अलावा एक बैंक लूट का घटना का उद्भेदन हो गया है और पेट्रोल पंप लूट का भी। कुल मिला के 3 जो सीरियस क्राइम की घटनाएं जो हाल में घटित हुई थी, तीनों का उद्भेदन कर लिया गया। इसमें और बचे हुए अपराधी हैं जिसको आप लोग? इसमें है 2-3 अपराधी और बाकी हैं, तो उसके लिए अभी टीम बना दी है मैंने, टीम को आदेश दे दिया है, बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। और मैं आप लोग के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं में जितने भी अपराधी हैं सबकी हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं और इनको हम जेल तो भेजेंगे, साथ में स्पीडी ट्रायल भी चलवा के हम इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए तत्पर हैं। टीम में कौन कौन शामिल थे? टीम में एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम बनी थी, इसमें सर्कल इंस्पेक्टर मध्यपुरा के प्रशांत कुमार थे, इसमें एसएचओ कुमारखंड थे, एसएचओ बेलारी था और एसएचओ शंकरपुर, और हमारे टेक्निकल सेल के कर्मी थे इसमें। इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, इस टीम ने मात्र 5 दिनों के अंदर दोनों ही घटनाओं का उद्भेदन कर लिया है। मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत करूंगा।